अब हम इन सबको ऐड कर देंगे 4 और 1 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 16, 17, 18 और ये 19, 20 हमारा 12 जो है अभी ऐड करके 20 आया है। और यहाँ पे उन्होंने हमें टोटल कितने स्टूडेंट्स गिवन किए थे, 20 स्टूडेंट्स गिवन किए थे। इस मीन जो हमने अपना टैली ग्राफ बनाया, टेबल बनाया है, वो हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम अपने ये जो है अभी नंबर ऑफ अकरेंस और स्टूडेंट्स वेट की मदद से अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। ये स्टूडेंट्स वेट और ये हमारे पास जो आया है नंबर ऑफ अकरेंस की मदद से हम अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। इसका लीस्ट नंबर कितना है 0, इसका हाईएस्ट नंबर कितना है 4। और यहाँ पे हमारे वेट का जो है लीस्ट नंबर 12 था और हाईएस्ट नंबर क्या था 20 था। हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, अब वेट लेंगे, वेट को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ अकरेंस को। हमने ग्राफ ड्रा कर लिया है 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके वेट ऑफ स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स वेट एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल बार यानी जो है अभी वाई एक्सिस पे हमने क्या जो है रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ अकरेंस। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, जब स्टूडेंट्स का वेट 12 था तो टोटल कितने टाइम हुआ था 4 टाइम। 13 जब वेट था तो वो कितने टाइम आया है 1 टाइम। 14 कितने टाइम आया 4 टाइम। 15 3 टाइम। 16 3 टाइम। 17 काउंट ही नहीं हुआ। 18 2 टाइम। 19 1 टाइम। और 20 2 टाइम। हमने जो है अभी इसका बार ग्राफ ड्रा करना है, जो है अभी वर्टिकल बार ग्राफ। तो वर्टिकल बार ग्राफ कौन सा है, वाई एक्सिस हमारे क्या शो करता है, वर्टिकल एक्सिस। तो हम ग्राफ जो है अभी वाई एक्सिस की साइड पर ड्रा करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो है अपना ग्राफ ड्रा कर लिया। 12 जो है अभी वेट पे कितने स्टूडेंट्स थे, 4 स्टूडेंट्स थे जिनका वेट 12 था। 13 वेट सिर्फ 1 स्टूडेंट का है। 14 वेट 4 स्टूडेंट्स का है। 15 kg वेट जो है 3 स्टूडेंट्स का है। 16 kg वेट 3 स्टूडेंट्स का है। 17 kg पे जो है कोई भी स्टूडेंट नहीं था इसलिए ये ब्लैंक है। 18 जो है अभी kg वेट हमारे 2 स्टूडेंट्स का था। 19 kg वेट 1 स्टूडेंट का और 20 kg वेट हमारे 2 स्टूडेंट्स का था अभी। अब हम इनको जो है अभी कलर भी कर सकते हैं, ये हमारी जो है अपनी मर्जी है।